Good morning, students. Myself Chaudhary Kamla. In your 6th standard math subject, we already started our chapter number 9, data handling. In that exercise 9.1 and 9.2, we already finished in our part 1 and part 2. Now today we have to start our exercise 9.3 in our part 3. Now, in that previous videos 9.1 and 9.2 exercise, we learn about pictograph and telemark table. पिक्चोग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और टेलीमार्क टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं और उसके बेस पे क्वेश्चन आंसर्स हमने सीखे थे. नाउ हियर इन दिस एक्सरसाइज 9.3 वी हैव टू लर्न अबाउट बार ग्राफ, बट ड्रॉ करना नहीं सीखना है. 9.3 में ओनली यू हैव टू लर्न अबाउट यूजिंग बार ग्राफ का यूज करके इसके बेस पे आपको क्वेश्चन दिए हैं जिसके आपको आंसर्स देने हैं. नाउ एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आएगी 9.4, उसमें आपको बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो आपको सीखना है इधर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल 9.3 एक्सरसाइज, इन दैट फर्स्ट यू हैव टू गिवन वन ऑफ द बार ग्राफ. सो क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1, द बार ग्राफ गिवन अलोंग साइड शोज, अलोंग साइड मीन्स बाजू में जो एक फिगर दी है बार ग्राफ की, शोज द अमाउंट ऑफ वेट purchased by government during the year 1998 से स्टार्ट करके 1999, 2000, 2001 and 2002 तक का आपको एक बार ग्राफ दिया है जिसमें वीट परचेज किया है, अमाउंट ऑफ वीट परचेस्ड वो आपको दिखाता है बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने जो वीट परचेज किए उसका आपको इधर एक ग्राफ दिया है, बार ग्राफ दिया है. रीड द बार ग्राफ एंड राइट डाउन योर observations in which year was the maximum wheat production maximum. Wheat का production maximum कौन से year में हुआ and in which year was the wheat production minimum. तो first of all हम graph read करते हैं, means आपको मैं explain करती हूँ. तो first आप देखोगे इधर graph में तो अभी x axis में horizontal line है उसके ऊपर आपको years दिखाते हैं और जो vertical line है उस पर आपको y एक्सिस हम बोलते हैं, y एक्सिस पे आपको वीट दिखाता है प्रोडक्शन उसका थाउजेंड में, इन थाउजेंड टन्स में आपको, जैसे कि 5000 टन्स, 10000 टन्स, 15000 टन्स ऐसे आपको. तो वन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू क्या है इधर, तो 5000 टन्स. नाउ इन दैट अभी ईयर्स देखते हैं, तो ईयर्स अभी 1998 का अगर आप देखोगे तो उसमें कितने वीट का प्रोडक्शन हुआ था, तो इधर आप देखो उसकी हाइट कितनी है, तो 15000 टन्स. तो 1998 में 15000 टन्स वीट का प्रोडक्शन हुआ. वैसे 1999 का अगर देखते हैं तो 25 उसकी हाइट आपको देखनी है. अभी आपका क्वेश्चन क्या है, अभी आपको बार ग्राफ देखना आ गया है कि उसके बेस पे आप क्वेश्चन आंसर दे सकते हो. तो फर्स्ट आपको दिया है कि द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, इन विच ईयर वॉज द मैक्सिमम वीट प्रोडक्शन, तो सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन कौन से ईयर में हुआ. तो इधर आप देखो सबसे ज़्यादा हाइट कौन से ईयर में है, तो आप 2002 में देख सकते हो. तो आप इधर क्या लिखोगे, इन 2002 फर्स्ट ए में, इन 2002. देन आफ्टर बी है द वीट प्रोडक्शन मिनिमम, तो मिनिमम वीट प्रोडक्शन कौन से ईयर में है, तो इधर से आप हाइट किसकी सबसे ज़्यादा कम है, तो 1998. तो इधर आप क्या लिखोगे, इन 1998. आपको वीट प्रोडक्शन की हाइट देख के आपको क्वेश्चन का आंसर देना है. वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ, इधर आपको एक बार ग्राफ दिया है, शोज द सेल ऑफ शर्ट्स, वो क्या दिखाता है, द सेल ऑफ शर्ट्स इन ए रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. एक शर्ट का जो सेल है उसमें रेडीमेड शर्ट का, उसकी शॉप में मंडे से सैटरडे तक का आपको सेल कितना हुआ है, कि वन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट. तो इधर आपको ये वर्टिकल लाइन पे आपको डेज दिए हैं कि जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और इधर आपको नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, कि जैसे कि वन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट है, तो इधर आप 5-5 का गैप लोगे तो 5-10, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर भी 5 था बट 5000 था वहाँ पे, बट इधर डायरेक्ट ओनली 5 शर्ट है. तो मंडे को कितने शर्ट सेल हुए, तो मंडे को देखो उसकी हाइट कहाँ तक है, 15, तो 15 शर्ट. ट्यूसडे को 10 शर्ट, वेनसडे को, वैसे आप उस वहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप ऐसे स्केल रख के भी आप देख सकते हो कि वेनसडे को 20 शर्ट, देन आफ्टर
थर्सडे को 35 शर्ट, देन आफ्टर फ्राइडे को 50 शर्ट एंड सैटरडे को 60 और 65 के थोड़ा बीच में आपको ऐसे मिलता है, सॉरी 60 मिलता है। नाउ व्हाट इंफॉर्मेशन डज द अबोव बारग्राफ गिव, ये जो बारग्राफ आपको दिया है वो कौन सी इंफॉर्मेशन देता है, तो आप इधर क्वेश्चन में से देख सकते हो कि दिस बारग्राफ विच इज शोइंग, तो वो क्या दिखाता है, तो द सेल ऑफ, तो इधर से स्टार्ट करके पूरा सेंटेंस आपको लिख देना है कि द सेल ऑफ शर्ट The sale of shirts in a ready-made shop from Monday to Saturday, ये आपको बार ग्राफ इंफॉर्मेशन देता है। देन आप तो बी नंबर है, तो बी नंबर में क्या है, व्हाट इज दिस स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट, ये जो नंबर ऑफ शर्ट की वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको दिया है, एक्चुअली वो आप आगे के ग्राफ में आपने देखा था वहां पे आपको ईयर्स दिया था हॉरिजॉन्टल, बट इधर क्या है नंबर ऑफ शर्ट, तो वो कौन सा स्केल आपने चूज किया है, तो इधर तो आप ग्राफ में से देख के बता सकते हो कि जो इधर ऊपर लिखा होता है वन यूनिट लेंथ वाला उसको हम क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। तो ये बार ग्राफ में कौन सा स्केल आपने लिया है इधर, तो वन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट्स, तो इधर आप क्या लिखोगे, वन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट्स। देन आफ्टर सी नंबर में, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, सबसे ज्यादा कौन से दिन को शर्ट का सेल हुआ है, एंड हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे, और उस दिन कितने शर्ट का सेल हुआ है, तो आप देख के बता सकते हो ग्राफ में कि सैटरडे को और कितने शर्ट थे, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि स्केल से कि 60 शर्ट थे, तो ऑन सैटरडे क्या लिखोगे, ऑन सैटरडे एंड मैक्सिमम शर्ट सोल्ड कब हुए थे, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट तो सैटरडे को सेल हुए थे, एंड वो कितने शर्ट थे, 60 शर्ट्स। देन आफ्टर डी नंबर, ऑन विच डे वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट कब को कौन से दिन सेल हुए थे, तो आप इधर हाइट देख के बता सकते हो किसकी सबसे ज़्यादा कम है, तो ट्यूजडे को, ऑन विच डे मीन्स वी हैव टू राइट डाउन ओनली डे, तो ऑन ट्यूजडे को, ट्यूजडे को मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सेल हुए थे। देन आफ्टर ए नेक्स्ट, हाउ मेनी शर्ट्स वेयर सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे को कितने नंबर ऑफ शर्ट सेल हुए, तो थर्सडे का आप देखो इधर, थर्सडे को कितने शर्ट सेल हुए, तो इधर आप ऐसे स्केल का यूज करके आप बता सकते हो 35 शर्ट, कितने शर्ट सेल हुए, 35 शर्ट्स, तो ऑन थर्सडे कितने शर्ट सेल हुए थे, तो 35 शर्ट्स सोल्ड। आपको अगर पूरा सेंटेंस लिखना है तो आप लिख सकते हो शर्ट ऑन 35 शर्ट्स सोल्ड ऑन थर्सडे। नाउ देन आफ्टर नेक्स्ट डे, क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ, ये आपको होमवर्क में करना है, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय अजीज, अजीज नेम है, अजीज ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट, जो हाफ ईयरली एग्जाम में उसको जितने मार्क्स मिले थे वो इधर आपको दिखाए हैं, वन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 मार्क्स है, तो 10-10 का इधर गैप है, तो हाइट देख के आपको पता चलेगा इधर, फिर आपको इधर जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं ए बी सी एंड डी पीछे दिया है, तो ऐसे 4 क्वेश्चन का आंसर आपको ये ग्राफ देख के अपने आप आपको देना है, इधर एक्स एक्सिस पे सब्जेक्ट लिखा और वाई एक्सिस पे मार्क्स लिखा है। देन आफ्टर योर एक्सरसाइज 9.3 इज फिनिश्ड, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4 वी हैव टू लर्न इन अवर नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।